और उधर ऊर्जा संकट से निपटने के लिए विकल्प की तलाश में है यूरोप। पूर्वी भूमध्य सागर के गैस भंडार के इस्तेमाल पर विचार। इजराइल, मिस्र और साइप्रस में मिले गैस के भंडार। तो ये गैस के इन भंडारों को अब एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचा जा रहा है। इजराइल, मिस्र में कहां कहां पे गैस के भंडार हैं अब उनकी तरफ, जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किए गए या कम एक्सप्लॉइट किए गए हैं, क्या उनकी तरफ चला जाए, क्या क्या वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएं, कैसे अपनी डिपेंडेंस रूस के ऊपर कम की जा सके और कैसे ये जो युद्ध चल रहा है जिसको इकोनॉमिक कोल्ड वॉर कह रहे हैं, इसमें रूस के ऊपर बढ़त बनाई जा सके, वेस्टर्न ब्लॉक ये सोच रहा है। जरा ये अहम इंफॉर्मेशन देखिए, यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस जगह पर भूगोल के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से, जिस जगह पर इसने धरती में जगह पाई है, वहां पर ठंड के दिनों में कोहराम होता है, सफेद कोहराम, हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है। और टेम्परेचर अगर इन मुल्कों का आप यहां पढ़ रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जरा सोच कर देखिए, हम जहां रहते हैं हिंदुस्तान में, अगर वहां 10 से नीचे टेम्परेचर जाने लगता है, कई बार 6 और 5 के आसपास पहुंच जाता है, हमारी हालत क्या होती है। तो वहां भी रहने वाले वो इंसान ही हैं, और जब वो जीरो की तरफ जाता हुआ टेम्परेचर और फिर उसके बाद सब जीरो जाता हुआ टेम्परेचर होता होगा तो क्या स्थिति होती होगी। जर्मनी जीरो तक एवरेज, हालांकि सब जीरो भी कई जगह रिकॉर्ड कई बार किया गया। फ्रांस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये भी वो जो जनरली वहां पर एक्सट्रीम विंटर्स में देखने को मिलता है पीक में, वो मैं आपको बता रहा हूं, सब जीरो भी जाता है। और इधर चेक रिपब्लिक -10, इधर इटली -20 डिग्री, देख रहे हैं आप स्थितियां। बुल्गारिया -12 डिग्री, सब जीरो टेम्परेचर। डेनमार्क -2.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सियाचिन में हालातों को बहुत अच्छे से खुद देखकर आए हुए जनरल कुलकर्णी ऑपरेशन मेघदूत से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ज्यादा इस तरीके की जो ठंड होती है उसके मायने क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, यूरोप की जरूरत की 47% गैस रूस सप्लाई करता है, और वो सप्लाई इन दिनों बंद, लगभग बंद, गैज़प्रोम बंद, नॉर्डवन बंद। अब आप देखिए, किसी भी इमारत को गर्म रखने के लिए वहां गैस की जरूरत है, वहां आम इमारत को भी आपको गर्म रखने की आवश्यकता है, सिर्फ कंबल या रजाइयों से अंदर काम नहीं चल सकता। यूरोप में 37% गैस का घरेलू इस्तेमाल, डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है 37%। अब आप समझ लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा तो घरों के इस्तेमाल में ही लग जाता है, और फिर बचे हुए हिस्से को उद्योग, कल कारखानों में और तमाम जगहों पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। और ऐसे में अगर आपको बॉयलर्स चलाने हैं तो आपको गैस चाहिए, और ज्यादातर यूरोप में जो बॉयलर्स हैं वहां जो हीटिंग सिस्टम है वो गैस डिपेंडेंट है। उसको अगर आपको दूसरे तरीकों में बदलना है, मसलन अगर आप उसको चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे, आपको उसको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, और ये रातों रात नहीं हो जाएगा। गर्म पानी नहीं मिलेगा तो घर को गर्म रखना मुहाल होगा, और डे टू डे एक्टिविटीज में खासा असर पड़ेगा। तो आपके अगर कल कारखाने, उद्योग, मशीनें, इन पर असर पड़ेगा, इंसानों पर असर पड़ेगा, तो इसी से तो चलती है जिंदगी। तो ठंड के साथ आगे क्या महामंदी भी दिखाई देगी, वो लेकर मैं जाऊं आगे पिनाक साहब के पास। लेकिन उससे पहले कुलकर्णी साहब, ये किस ठंड की बात कर रहे हैं हम, जो -20, -18, -16 डिग्री का टेम्परेचर होता है, ये कैसा होता है दिनेश? वाकई आपको आप खाना नहीं खा सकते, आप बात नहीं कर सकते, आपका सर दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको मतलब बेचैनी इतनी ज्यादा, और बुजुर्गों की जो हालत हो जाएगी गए इस वक्त, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दफरी में हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल ही मरने की हालात में आएंगे। ऐसी हालात कोई देखना बहुत मुश्किल होगा, और महंगाई ऊपर से, इसीलिए तो मुझे लगता है रूस जानता है कि कहाँ पे नस दबानी है, और रूस वही नस दबाई है जिससे पूरे यूरोप को जनरल कुलकर्णी, अगर ये लड़ाई असल में अब ये नर्व्स की इस तरीके की लड़ाई हो गई है, तो इसमें कौन जीतने वाला है सर, मैं आपसे अभी से आपका अंदाजा पूछूंगा।